वालेकुम अस्सलाम सिस्टर्स, आप अपने माइक्स क्लोज कर दें प्लीज। मैं 2-4 मिनट और वेट करती हूँ, तो कुछ और लोग ज्वाइन हो जाएं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज आप माइक्स क्लोज कर लें। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, पिछले वीक हमने यूनिट 1 किया था ना, अभी इंशाल्लाह यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका पहला कॉन्वर्जेशन है। ठीक है, मैं नाम जिसकी मैं बताऊंगी, बस वो अनम्यूट करें और वो शुरू करें कॉन्वर्जेशन। मेरे पास जो नाम आते हैं ऑर्डर से मैं बुलाती जाऊंगी। ठीक है, आमिना जिया, अस्सलाम वालेकुम। फौजिया जी, एक मिनट। फौजिया जफर, फौजिया जफर जी, जी टीचर जी, जी आप दोनों शुरू करें कॉन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मां हाजी, सॉरी वो मेरा वो पता नहीं कहां गया है, वो पिक्चर नजर नहीं आ रही। पिक्चर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही जी। फिर कोई और पढ़ लें। जरीना, मैं शबाना कौसर जी। शबाना कौसर जी, आप शुरू करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। هذه سورة الأسرة ما شاء الله। एक मिनट, आपने जब यहाँ पढ़ा هذه سورة الأسرة, سورة नहीं है, अलिफ लाम नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर रूल क्या है, मैं कॉन्वर्जेशन के बाद बताती हूँ। هذه سورة الأسرة, هذه سورة الأسرة ما شاء الله من هذا
मन हासा वाले दी अब्दुल वाहिद हुआ तबीब। सेम कॉन्वर्जेशन पढ़े, आप चेंज नहीं करें, मैं बाद में आपको एक्सरसाइजेस के टाइम पे चेंज करने को बोलूंगी, अभी आप जैसा कॉन्वर्जेशन वहां है वही पढ़ें। ठीक। वमन हाजी हाजा वालिदी अदनान हुआ मुहंदस। मुहंदस वमन हा वमन हाजी हाजी वालिदती सैयद सैदा हिया तबीबा। वमन हाजा हाजा अखी ईसा हुआ तालिब। वमन हाजी हाजी उख्ती अबला हिया मुअल्लमा। माशा अल्लाह। वहादा जद्दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वहादा जद्दी मैं तो नहीं कहूंगी ना, वही कहेंगे दूसरी सिस्टर जी। कोई भी कह ले, मैं भी कहूं। वो हाजा जद्दी वो हाजे ही जद्दती। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कन्वर्सेशन समझ में आई या कोई प्रॉब्लम है? जी, ये चैप्टर जो है वो फैमिली के बारे में है, तो इसमें शख्स लोगों के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं हादिही सूरतु उसरती। लास्ट यूनिट में हमने मुजक्कर और मुअन्नस देखा था, ठीक है। मुअन्नस की निशानी क्या है, मुअन्नस की अलामत क्या है, गोलता लगा देते हैं। जी, गोलता है, गोलता लगा देते हैं। जी, गोलता है। और दो निशानी है मुअन्नस की, वो है ये मुअन्नस होगा। जी, अलिफ मकसूरा, ये एक मुज़क्कर है और एक मुज़क्कर हकीकी मुअन्नस हकीकी है। और दूसरा जो वो तो आगे दो अक्साम है, एक कयासी है और एक समाई है। कयासी जो है उसकी आगे तीन निशानियां हैं, एक ताय मरबूता होता है और एक अलफ ममदूता होता है और एक अलिफ मकसूरा होता है। और दूसरा समाई है जो हम सुनते आ रहे हैं, जैसे जिस्म के दो जो एजाज हैं वो दो हैं, तो जैसे उज़्वन है यदुन है ये है। और इसी तरह कुछ कुदरती चीजें जैसे शमसुन है अर्जुन है, ये भी मुअन्नस समाई में आती हैं। और एक तीसरी भी है जो मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही है, मतलब वो भी समाई में, हाँ, कबीलों के नाम और मुल्कों के नाम जो है ये भी मुअन्नस है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल जरूर मौजूद है। जी माशाल्लाह, ये सारे ग्रामर के पॉइंट्स हैं। अभी हम यहाँ जी हम लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। जब हम हमारे पास कोई भी नाउन फेमिनिन में आएगा, अब आप जान गए कि ताय मरबूता अगर होगा तो फेमिनिन होगा, अलिफ ममदूदा होगा तो फेमिनिन होगा, और अलिफ मकसूरा, ये यानी वर्ड्स को जब आप देखेंगे तब एक सेकेंड ये ताय मरबूता तो मुझे समझ आ रहा है कि जैसे सूरतुन में जो गोलता है इसको जो है ताय मरबूता कहते हैं। फिर एक हमजा वाला आपने क्या बताया अभी? आप लोग माइक क्लोज करेंगे, सबकी आवाज एक साथ हो रही है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। एक होता है अलिफ मकसूरा, मैं बताती हूँ, एक मिनट। एग्जांपल भी प्लीज बता दें ताकि क्लियर हो जाए। एक मिनट जैसा कोई वर्ड है जिसमें हमजा आता है लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये तो वैसे नाम होगा, जैसे समाउन अगर मैंने लिया तो लास्ट में हमजा आएगा ना।
सॉरी अब इसमें मुझे ठीक से लिखने नहीं आ रहा है, ये जो आएगा ना, इसको इसको बोलेंगे अलिफ ममदूदा, यानी अलिफ के साथ में जो हमजा आएगा तो ये अलिफ ममदूदा होगा, ठीक है। और अलिफ मकसूरा, यानी जैसे मैंने कोई नाम लिखा हाँ बुशरा, ये यहाँ जो ऐसा वाला ये आएगा ना युसरा बुशरा जो जहाँ पर ये, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो तब ये तीनों आपके जो है ना, यहाँ अगर मैंने कहा एक मुझे ना ये सिर्फ क्लियर कर दे, मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जैसे समाउन में तो हमजा ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, तो अलिफ होगा या अलिफ मकसूरा होगा, ये तीनों फेमिनिन की निशानी है, ठीक है। अभी हमारे लेसन में अब एक मिनट, अभी जो लेसन में हम जा रहे हैं ना, वो लेसन में सिर्फ हम ता मरबूता पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब वो बाकी चीजों को फिर ग्रामर के लिए रखें, क्योंकि अभी फिर कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। फिर हम अब सिर्फ ये जो हमारा ताए मरबूता है सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तब आप कोई भी नाउन को ताए मरबूता के साथ देखोगे तो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें मुअन्नस होंगी। जैसा ये वर्ड है हाजी ही, ठीक है, हाजी ही के माने हैं ये, ठीक है। इंग्लिश में और उर्दू में हम ये बोलेंगे, दिस बोलेंगे, दोनों को फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को सेम बोलेंगे, लेकिन अरबी में फर्क आ रहा है। हादी ही जी, हादी ही मुअन्नस के लिए बोलेंगे और हाजा मुज़क्कर के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ जो वर्ड है उसरती, यहाँ मैंने कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये उसरा, ये वर्ड है उसरा, अच्छा जी, ये वर्ड है, सॉरी मेरी राइटिंग नहीं जम रही इसमें जी। पता नहीं समझ आ रही कि नहीं समझ में आ रही, आप ये समझ लीजिए, ये वर्ड है उसरा, ये इस सिया को अगर हम हटा देंगे तो ये वर्ड होगा उसरा छोटी ता के साथ, ताए मरबूता के साथ जी। जब हमने इसको या लगाया मतलब ये हो गया मेरी फैमिली जी, माई माई फैमिली, ये या जो है ये क्या कहते हैं मिल्कियत दिखाता है, यानी पोजेसिव जी, माई फैमिली। जब भी हम अरबी में कोई भी नाउन पे जब दमीर लगाएंगे आखिरी में, यानी जो पोजेसिव वाला मिल्कियत वाला दमीर लगेगा, तो उससे पहले अलिफ लाम नहीं आएगा, उससे पहले अलिफ लाम नहीं आएगा। अगर मैंने बोला किताबी, मैंने ये अल किताबी नहीं बोल सकती, किताबी किताब हूँ जी, आपकी किताब, उसकी किताब, हाँ किताब हो, ठीक है, उसमें अलिफ लाम नहीं लगे। आपने जैसे बताया किताब हो, तो कई बार है जैसे ही भी आता है उसके लिए, तो ये किताब ही में ही नहीं लगेगा जी? जी किताब ही उसका केस अलग है, मैं बताती हूँ आपको, किताबी ही किताब हो एक्चुअल वर्ड है उसकी किताब, लेकिन अगर मैंने उससे पहले कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो कि उसके बाद आने वाले कलीमा पर असर करते हैं, जैसे हर्फ जर है, हरूफ जर अगर हमने लगा दिया फी किताब ही आएगा, अभी अगर मैंने कहा उसकी किताब में तो अभी आएगा फी किताबी, को अभी जेर लगेगा, ठीक है, ये फर्क होगा। अभी जब हम जमायर के साथ पढ़ेंगे तब उस पे आएंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम, जो यहाँ है बस उसी को डिस्कस करेंगे, आगे जाएंगे तो फिर वो बड़ा लंबा होते चले जाएगा हमारा जी, ठीक है। यहाँ जी मैडम एक बात पूछनी है, यहाँ पे उसरती है, तो उसरती ती का लफ्ज दूसरे के लिए नहीं आता, हम यूं नहीं कहेंगे उसरी? नहीं जी, उसके मैं वही बता रही हूँ ना आपको, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, उसका इसका ओरिजिनल वर्ड है उसरतुन, छोटा मरबूता के साथ उसरतुन वर्ड है, तो तब मैं उसको बोलूंगी उसरती, उसरतिक, उसरतक, उसरतुहु, ता रहेगा उधर, ता को हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ये जो या लग रही है ना, बड़ी वाली या लग रही है, उसरती यानी मेरी, ओके। अब नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है मन, ये याद रखें, दो वर्ड्स है हमारे पास मन
और एक है मिन, दोनों में फर्क। मन यानी कौन, हु, किसी के लिए हम पूछ रहे हैं कौन है, ये कौन है, मन हादा ये कौन है, कौन के लिए मन आएगा। और अगर हमने हुरूफ जर इस्तेमाल करना है मिन, मिन होगा जी, मिन यानी से, फ्रॉम। ओके जी, बच्चों की आवाजें आ रही हैं, प्लीज माइक क्लोज करें, सभी को डिस्टर्ब होगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, ये ताए मरबूता जो है इसे मुअन्नस और मुज़क्कर की पहचान होती है? जी जी, मुअन्नस की पहचान होती है ताए मरबूता, मुज़क्कर की नहीं होती? नहीं नहीं, मुज़क्कर की नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस हैं, जैसे अभी वो ग्रामर में मिसले कह रही हूँ आपको, डिटेल में नहीं जाएं, जैसे जैसे आप वर्ड पढ़ेंगे उसामा, उसामा में ता मरबूता है, लेकिन ये मुज़क्कर है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अब आप फेमिनिन के भी वर्ड्स देखोगे, जैसे ज़ैनब, इसमें कोई ता मरबूता नहीं होता, लेकिन ये फेमिनिन वर्ड है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन अभी हम जनरल रूल्स फॉलो करेंगे, आगे हम एडवांस बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये याद रखें कि ता मरबूता जो है वो फेमिनिन की निशानी है। ठीक है, मन हादा, हादा वालिदी, ये 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 वर्ड देखें, वालिद, वालिद यहाँ पर वालिद मुज़क्कर है। ठीक है, यहाँ पर भी वालिदुन वर्ड है, या लगा है उसको, मेरे वालिद, वालिदी मेरे वालिद, ये मेरे वालिद अदनान, हुआ, यहाँ पे भी ज़मीर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो अब जब अब यहाँ पर मुज़क्कर है तो हम इसको हुआ यूज करेंगे, हुआ मुहंदिस। मेरी किताब कैसे बोलेंगे? मेरी किताब, किताब क्या बोलेंगे, किताब बोलेंगे ना, उसको लगाएं, हाँ, कौन से ज़मीर लगाएंगे, या लगाएं, किताबी, तो, किताबी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आऊंगी, मैं ये लेसन पूरा कंप्लीट करने के बाद ना मैं पूरा टेबुलर फॉर्म में वो दमायर आपको समझाऊंगी क्लियर। अस्सलाम वालेकुम बरकातु, ये जो छोटी ये लगी हुई है वालिदी में, तो जिससे भी किताब है तो हाजा किताबी होगा जी, हादा किताबी होगा, अगर आपने आपने ये किताबी ये मेरी किताब है ये, जी अच्छा, ये जो हम छोटी ये जो है ये इसका मतलब क्या होता है? ये मेरी की निशानी होती है, मेरी, मेरी। मैं उसमें जी जमीर लगा रही हूँ ना, हाँ, माई बुक, माई, ये मतलब कहीं पर भी हमको मेरी, हाँ कहीं पर भी अगर हमको यूज करना है मेरी, हम ये छोटी ये लगाएंगे इसके अंदर जी, मेरी के लिए, हमारी के लिए नहीं, हमारी के लिए फिर नून अलिफ लगेगा, वालिदना जी, हमारे की तो वो डफ हो जाएगा जी, जो जी, जो प्लूरल हो जाएगा हमारी तो जी, में हाँ, तो ये मतलब कहीं पर भी ये छोटी ये लगेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वमन हादिही, जब आप ये देख चुके वमन हादिही, हादिही मतलब फेमिनिन फॉर्म हो रहा है, तो मतलब आपको फेमिनिन फॉर्म में वो हु इज दिस, फेमिनिन फॉर्म में आपको आंसर करना है। तो आपने कहा यहाँ पर हादिही वालिदती, अब ये वालिदती है, यहाँ पर वालिदती क्या वर्ड है, या को निकाल के सही वर्ड बताएं, औलाद, औलाद नहीं, वालिदा जी बिल्कुल, वालिदा जी, यहाँ फर्क देखें, यहाँ ता नहीं आएगा, यहाँ ता आएगा, वालिदी बोले ये मेरी, मेरे वालिद, वालिदती मेरी वालिदा, सईदा, यहाँ ये भी चेंज होगा ज़मीर हमारे पास ही आएगा, और यहाँ पर ये ज़मीर चेंज होगा हादी ही आएगा। तो ये फर्क बिल्कुल, यानी जब हम मुज़क्कर और मुअन्नस से बात करेंगे तो ये फर्क का हमेशा ख्याल रखना है कि हाजा हाजी ही हुआ किया। ठीक है, वमन हादा, हादा अखी, अखी ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, भाई है, अखी मेरा भाई, हुआ, हुआ क्योंकि वो मुज़क्कर है, हुआ तालिब, वो तालिब है। वालेकुम सलाम डॉक्टर तहरा जी, जी एक मिनट मैं आपसे बोलती हूँ, इसका थोड़ा सा बाकी एक्सप्लेनेशन करके फिर हम दूसरे कॉन्वर्सेशन पे जाएंगे। वमन हादिही, हादिही फिर फेमिनिन के लिए आए हैं, तो यहाँ हादिही उख्ती, उख्तुन सिस्टर, उख्ती मेरी बहन, ठीक है, हिया, हिया मुअल्लिमा, वहादा जद्दी, जद्दी का मतलब ये दा,
अभी कौन करेगा कॉन्वर्सेशन? जो किताब आप करेंगे? मेरा नाम मुमताज है। हाँ मुमताज है। प्लीज माइक क्लोज करें, प्लीज माइक क्लोज करें। कॉन्वर्सेशन में हम कर रहे हैं, लेसन का फायदा नहीं होगा और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, ये सारी आवाजों के साथ फिर रिकॉर्डिंग भी सही नहीं आएगी। प्लीज जिसके भी पास आवाज आ रही है वो बंद करें आवाज, माइक जब आपको बात करनी हो तब खोल लें। डॉक्टर ताहिरा और मुमताज जी, आप कॉन्वर्सेशन शुरू करें। उमर हल हाजिही शजरतु, उस्मान नाम हाजिही शजरा जी। मुमताज किधर हैं आप जी? दोनों हां जी पाजी, दोनों ट्रांस वो करें, कॉन्वर्सेशन करें। मैं दोनों पढूं ना? नहीं नहीं, आप एक उमर और एक उस्मान। हल उमर हल 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 हाजिही शजरतु, उमर हाजही वलदतुहु आमना, उस्मान वहाजही वालिदतुहु। देखें ये कलिमा वालिदतुहु वालिदतुहु आमिनता आमिना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अरबी में जब लास्ट हरका होती है तो उस पे स्टॉप किया जाता है, उसकी हरका नहीं पड़ी जाती। आमिना जी। उस्मान वहाजा जद्दुहु अब्दुल मुतलिब रुक जाएं। आयशा जहीर, आयशा जहीर जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अंजुम फिरदौस, अस्सलाम वालेकुम जी। आप दोनों आगे का पढ़ें। वहाजा उम्मु अम्मुहु हमजा, अम्मुहु आइन पे जब्बर है, अम्मुहु हमजा। वहाजा अम्मुहु हमजा, जी। अंजुम जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पढूं इसको? जी जी जी। उस्मान कहाँ से पढ़ना है इसको? अम्मू से ना? वहाजा अम्मू हाजी, ये उनके चचा हमजा हैं। उमर वहाजी अमनतु अम्मतुहु शफिया, ये उनकी चची शफिया हैं जी। और यह उनके बेटे कासिम हैं, और यह उनके बेटे अब्दुल्ला हैं। इब्राहिम, एक मिनट इब्राहिम है। फातिमा, और यह उनकी बेटी फातिमा है जी। आयशा जहीर आप आगे के दो पढ़ लें। आयशा जहीर, उस्मान वहाजही इब्नतु रुकैया वहाजही ज़ैनब,
और यह उनकी बेटी रुकैया और यह उनकी बेटी जैनब है। उमर वहाजी इब्नतु उम्मे कुलसुम और ये इनकी बेटी उम्मे कुलसुम है। जी माशाल्लाह ठीक जी। किसी को डाउट था पूछ रहे थे कोई? ये मैं शबाना कौसर पूछ रही हूँ जी। यहाँ पे है उम्मतहु, ये उम्मतहु आपने जैसे मैम बताया कि ये तो लगता है फूफी के लिए, तो ये क्या बिल्कुल वैसे इक्वल नहीं है जैसे इंग्लिश में आंटी होता है यानी फूफी चची ये सब के लिए आता है जी। लेकिन अभी मैं यहाँ अम्मा अम्मती फूफी के लिए ही इस्तेमाल होता है ठीक, यानी ये चची या उसके लिए नहीं होता। चची के लिए, चची के लिए फिर वो उसी तरह जौज अम्मा इस तरह बोलेंगे यानी चाचा की वाइफ चाचा की बीवी। अच्छा, तो वो इनके पास इसी तरह जौज अम्मा इसी तरह बोलेंगे या फिर अम्मती, बस यही 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 वर्ड आंटी ही सभी के लिए यूज होता है। लेकिन जो लुगतन जो इस्तलाह में जो वर्ड है वो फूफी के लिए इस्तेमाल होता है। खाला खाला इस्तेमाल होता है खाला के लिए, खाला ही बोलेंगे अरबी में भी। खाली बोलेंगे मामा को, खाली मामा को और खाली यानी मामा को और खाला खाला को। और ये जो अम्मा और अम्मा, एक मिनट, अम्मा और अम्मा जो है वो इधर वालिद के साइड फूफा और चाचा के साथ। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, मेरा नाम शगुफ्ता है, मैंने ये पूछना था जैसे हाजा हाजा हाजबनुहु और हाजा यानी कि इब्नुहु भी लगा सकते हैं? हाजा इब्नुहु कह सकते हैं? जी जी हाजबनुहु कहेंगे उसको अगर मिला के पढ़ रहे तो हाजबनुहु भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर उसको सेपरेट कर रहे तो हाजा इब्नुहु है, लेकिन अगर आप उसको मिला के पढ़ रहे तो हाजबनुहु पढ़ेंगे। अच्छा, ये खाला के लिए, खाला के लिए इब्नहु, ये फूफी के लिए इब्नहु और खालू फूफा के लिए? नहीं नहीं नहीं, खाला के लिए खाला ही वर्ड है। नहीं हाँ जी, खाला की खाला, ये फूफी के लिए इब्नहु, फूफी के लिए अम्मा। इब्नहु नहीं, इब्न तो बेटे के लिए इस्तेमाल होता है, इब्न बेटा, इब्न बेटी। अभी जो इसमें अम्मा 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 फुप्पा के, सॉरी चाचा के लिए, और अम्मतुन फुप्पा के लिए। ठीक है, सॉरी अम्मतुन फुप्पी के लिए। बेटी के लिए लास्ट वाली। देखें हम अभी इसमें से जाते हैं, जो जो वर्ड्स आते हैं मैं बोलती जाऊंगी। इस तरह अगर करते जाएंगे ना तो वो कंफ्यूजन होगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, मैं आगे से इधर से आपको मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये आप इस पे अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा इसी लिंक से जॉइन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा कुछ कंफ्यूजन है, क्लियर प्लीज आप उसको थोड़ा देख लेना। जी बताएं। जी मैं बता रही हूँ, जैसे वो जो पहले एक बार वो हमने जो पढ़ा था वो सीरत रसूल का जो सजर जो पढ़ा था ना, तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर गलत हो गए थे जो हमने सबमिट किया था उसमें, तो मुझे वो समझ नहीं आया कि उसका आंसर कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन था कि मन इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने उसको लिखा था हाजा इब्न इब्राहिम। फिर दूसरा क्वेश्चन जो था वो हाजब नेहु इब्राहिम। जी। और दूसरा सवाल था जो कि मेरा गलत हुआ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका आंसर कैसे होगा। जैसे मन क्वेश्चन है कि मन बिनातुर रसूल सल्लल्लाहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमने उसका आंसर लिखा था हाजिह बनहु फातिमतु, तो ये रॉन्ग हुआ था, तो ये इसको सही कैसे करेंगे मुझे नहीं। आपके उसमें ना कोई फॉर्मेट में कोई गलती हुई होगी। ना वो मुझे व्हाट्सएप पे बाद में सेंड कर दे, मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर कर देंगे ना। अभी लेसन की तरफ आते हैं। जी इंशाल्लाह, ठीक है, आप मुझे आप उसका वो दे देंगे ना व्हाट्सएप नंबर, जिसे मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है जी, ग्रुप्स में मेरा नंबर है ना। अच्छा ठीक है, वहीं से मिल जाएगा जी। आपका नाम, ये वर्ड देखें, हल हल नुसरत जी, ये जो वर्ड है हल, ये इस्तेमाल होता है इज और आर के लिए। ठीक है, क्या हल हाजी शजरा, Is this a tree? क्या ये शजरा है, पेड़ है।
ठीक है, यहाँ क्योंकि शजरा फिर मुअन्नस है, हमने हाजी इस्तेमाल किया। आप इसको एनालाइज करते जाएं, जब भी आप पढ़ेंगे ना तब इसको एनालाइज कर लें। कुरान में भी आप जब इसको इसी तरह एनालाइज करेंगे ना, आपको बहुत आसानी होगी समझने में भी और याद करने में भी, जब आप कुरान को लेके पढ़, क्योंकि आपको पता है ये फेमिनिन है तो उसके साथ में आपको फेमिनिन ही आएगा, आप हाजा शजरती नहीं बोल सकते, हादी ही शजरा। नाम, नाम ये है हाँ के लिए, हाँ हादी ही शजरा, हादी ही उसरतुर रसूल। ठीक है, यहाँ हमने एक चीज इसमें सीखना है, उस इस पे तो सवाल नहीं होगा एग्जाम में, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, ये उसरतुर रसूल जो वर्ड यहाँ हमने इस्तेमाल किया है ये मुरक्कब है। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है। इसको ये देखें, उसरतुर रसूल का माना क्या होगा कि फैमिली ऑफ रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली। तो ये जो वर्ड की आ रहा है ना यहाँ पे इस फॉर्मेट, ये जो मुरक्कब होता है, मुरक्कब तो मुरक्कब इजाफी, ये हमेशा इसी फॉर्मेट पे आएगा कि आपको फर्स्ट वर्ड में अलिफ लाम नहीं लगेगा और दूसरे वर्ड में अलिफ लाम लगेगा और इसके नीचे जेर आएगा। ठीक है, आप ये समझ रही है ये फॉर्मेट, उसरतुर रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली। अगर मैंने बोला बैतुल्लाही, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, यानी फिर वही फॉर्मेट, आप ये नहीं बोलेंगे अल बैतुल्लाही नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैतुल्लाही। यहाँ सेकंड वर्ड में अल आएगा और ये जेर से फिनिश होगा और ये फर्स्ट वर्ड में बिना अल के आएगा, तब आप समझ जाएं कि ये एक मुरक्कब इदाफी है, यानी ये वो कॉन्जुगेशन का मतलब देता है। जी का की और उसका मतलब देता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हमारा, हम ये फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं उसरतु, चूंकि फेमिनिन है इसलिए हमने यहाँ भी हाजी ही लगाया, हाजी ही उसरतु रसूल। फर्स्ट वर्ड को देखेंगे हम, सेकंड वर्ड को नहीं। जी जी जी, कोई भी चीज बिलोंग करवाएंगे जी जी, ये हाजी ही उसरतु रसूल को एक बार समझा देना। हादी उसरतुर रसूल, ये पूरा सेंटेंस है, दिस इज द फैमिली ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली है। ठीक है, ये तो जुमला है, मैं सिर्फ इस ये जो यहाँ पर मुरक्कब आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, इसके बारे में बात कर रही हूँ। उसरतुर रसूल, ये उसरतुर रसूल, ये इसी फॉर्मेट में हमारे सारे, यानी अगर मुरक्कब इदाफी यानी जो पोजेशन दिखाते हैं ना, वो इस तरीके से होंगे। जैसे मैंने बोलना है मेरे वालिद का घर, तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, बैतुल वालिद, वालिद का घर। ठीक है, इसमें भी हमने, तो फिर मेरे वालिद का घर बोलेंगे तो जी, एक मिनट मैं आ रही हूँ। अगर मैंने बोला बैतुल वालिद, ये वालिद का घर, ठीक है, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि जब इजाफी वो लगेगा, क्या कहते हैं उसको, दमायर इदाफी लगेंगे, यानी जैसे मेरा आपका उनका इस तरह बताना है, तो उसमें अलिफ लाम नहीं लगेगा पहले, तो इस केस में ये बन जाएगा बैतु वालिदी, बैतु, यहाँ पे इस वाले वर्ड में ना अल लगेगा ना यहाँ तनवीन आएगी। ओके, और ये वर्ड में अगर हमने यानी दमीर के साथ अगर इस्तेमाल करना है उस वर्ड को, यानी मेरे वालिद बताना है, तो वालिदी आएगा, बस अल नहीं लगेगा, ये फर्क होगा थोड़ा सा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आपको पेश आएगा और यहाँ इससे पहले जो अल नहीं आएगा, इससे आप समझ जाएंगे कि वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। बैतु वालिदी यानी ये मेरे वालिद का घर है। यहाँ देखें फिर, हादा वालिदुहु अब्दुल्ला, अब यहाँ ये वर्ड है हमारा वालिदुहु, इसका क्या मीनिंग हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, यहाँ यानी ये वर्ड है हमारा वालिद। ठीक है, और इसको हमने दमीर लगाई हु, जब दमीर हु लगती है तो वो बन जाता है उनके वालिद। ठीक है, चूंकि मुजक्कर है हमने हाजा इस्तेमाल किया। वहादिही वालिदतुहु आमिना, यहाँ भी वही वालिदा वर्ड है और हु लग रहा है दमीर उनकी वालिदा, उनकी वालिदा आमिना। जी जी, वहादा जद्दुहु, सेम थिंग, इससे पहले वाले कॉन्वर्जेशन में हमने जद्दी पढ़ा था, मेरे दादा, यहाँ जद्दुहु उनके दादा, अब्दुल मुतल्लिब। वहादा अम्मुहु, अम्मुहु यानी उनके चाचा अब्बास,
ठीक है। और बाजी अगर ये फीमेल के लिए बोलना है जैसे हु मेल के लिए लगा तो फीमेल के लिए करना ही हो जाएगा वहां पे लगेगा और बुताएगा जी जी फीमेल के लिए फिर हा लगेगा अगर हमने उनकी किसी यानी उनकी उनकी वालिदा को फीमेल में अगर बताना है जी तो ये हो जाएगा अम्मुहा जद्दुहा इस तरह ठीक है। यहाँ पे हा अलिफ आए वालिदतुहा वालिदहा ठीक है ये अम्मुहु